सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी, जिसमें तकरीबन एक घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के लिए नई नीति को मंजूरी दी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर रोक लग गई थी, जिसके बाद साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे तमाम व्यवसायी चिंतित भी नजर आए थे। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन पुलिस नियमावली भी बनाई गई। वहीं प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने साहसिक पर्यटन नीति को कैबिनेट के जरिए मंजूरी भी दी, तो मतलब अब राज्य में कोई भी धन बल से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित नहीं कर पाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए बकायदा एक कानून बनाने का प्रस्ताव भी किया है, जिसके बाद अगर कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति कानून से अलग धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो था ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच जिस तरह से साहसिक खेलों पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसको भी कैबिनेट ने खुलवाने का रास्ता साफ कर दिया। कैबिनेट ने साहसिक खेलों की नियमावली में संशोधन करते हुए एक गाइडलाइन बनाई है, जिसमें अब कोई भी साहसिक खेल का व्यवसाय बाहर का नागरिक नहीं हो पाएगा, यानी कि सभी काम स्थानीय लोग ही करेंगे। रिवर राफ्टिंग तथा कयाकिंग और कैनोइंग, इसकी नियमावली पूर्व में बनाई गई थी। उस नियमावली में कतिपय संशोधन करते हुए उसको और व्यवहारिक, आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको व्यवहारिक नियमावली को संशोधित करते हुए अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान की। पैराग्लाइडिंग, पैराशीलिंग के लिए अर्थात एरो स्पोर्ट्स के लिए भी नियमावली प्रख्यापित की गई है। उसके कुछ साइलेंट फीचर हैं और कुछ उसके प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों के आधार पर अब राज्य के अंदर इस साहसिक पर्यटन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम आज लिया गया है। और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जो पर्यटक व्यवसायियों को असुविधा विगत दिनों सामने में आ रही थी, उसका समाधान आज इन दोनों नियमावलियों के माध्यम से हो गया है। इसके साथ ही नशे में कोई भी पर्यटक इन खेलों का मजा नहीं ले पाएगा। साथ ही अब पर्यटकों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक कर दी गई है। इसी के साथ ही इसमें कई संशोधन भी किए गए। जो 14 साल से 60 साल तक का किया गया था उसको 65 किया गया पर्यटकों को रिवर राफ्टिंग करने के लिए। कयाकिंग के लिए अवश्य उसकी सीमा जो पूर्व में थी वही रखी गई है। धूम्रपान को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है और नशे की अवस्था में यदि पर्यटक होगा तो उसको राफ्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।